हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्किटेक्चर एग्ज़ाम के लिए या फिर आर्किटेक्चर स्टडीज़ के लिए, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ डोर। मेनली इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमारे जितने भी हम रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल जितने भी टाइप की हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें मेनली हम कितने टाइप के डोर्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितने टाइप के डोर्स मटेरियल वाइज या फिर उनके एक्शन वाइज कितने डोर्स जो हम यूज़ करते हैं अपनी बिल्डिंग्स में। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर डोर्स। मेनली हमें पता होना चाहिए कि डोर्स क्या है। अगर हम डोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो डोर्स हम सबको पता है क्या होते हैं, कि ये एक काइंड ऑफ गेट है, ये गेटवेज है हम दो स्पेस में, राइट। हमारे पास अगर कोई भी दो स्पेस है, उन दोनों स्पेस के बीच में अगर हमें स्विच करना है, लेट से कि हम एक डाइनिंग रूम में है या फिर लिविंग रूम में, अगर हमें बेडरूम में जाना है तो हम विद द हेल्प ऑफ डोर ही जा पाएंगे। ठीक है, दो स्पेस आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ डोर। डोर के वजह से ही या फिर डोर के हेल्प से ही हम दो स्पेस में एक्सेस कर पा रहे हैं। ये किसी भी स्पेस को कनेक्ट कर सकता है या डिसकनेक्ट कर सकता है, यानी कि डोर को अगर हम ओपन कर देते हैं तो दो स्पेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, अगर हम डोर को क्लोज़ कर देते हैं तो वो दो स्पेस आपस में डिसकनेक्टेड हो जाती हैं। तो मेजरली ये डोर्स का जो फंक्शन है ये हमें पता चल गया कि कैसे ये डोर को करता है, क्या फंक्शन है। और मेनली इसका एक और काम रहता है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, दो इसके ये एक मेजर पर्पज़ हैं डोर को हमें प्रोवाइड करने के लिए, कि हमें प्राइवेसी भी चाहिए और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी चाहिए। हम जिस भी स्पेस में हम इस डोर को लगा रहे हैं। डोर बहुत पुराना है और पहले से काफ़ी पुराने एंशिएंट टाइम्स इसको यूज़ करते आ रहे थे। डोर्स आर एज़ ओल्ड एज इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यानी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के टाइम से हम डोर्स को देख रहे हैं, वो यूज़ होते आ रहे हैं। अब टाइम टू टाइम जैसे जैसे बिल्डिंग्स में एवोल्यूशंस आ रहे हैं तो डोर भी एवोल्यूशन हो रहे हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डोर भी डेवलप हो रहे हैं आगे, राइट। स्टार्टिंग करने से पहले ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं डोर के लिए, कि जो डोर्स या उसके आसपास जितने भी चीज़ें रहते हैं उनको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, क्या उनके टर्म्स हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डोर के टेक्निकल टर्म्स क्या हैं, जैसे कि ग्लास पैनल है, लॉक स्टाइल है, लॉक रेल है, राइट। जैसे हिंज है, हिंज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोर को, डोर फ्रेम के साथ या डोर की एक केसिंग रहती है, राइट। जैसे हम डोर का जो शटर है उसको हम डायरेक्टली नहीं लगाते हैं वॉल में, विद द हेल्प ऑफ अ केसिंग हम वॉल के अंदर उसको फिक्स करते हैं, डोर केसिंग बोलते हैं, या समटाइम्स इसको हम डोर फ्रेम भी कह देते हैं। ठीक है, दोनों ही टर्म्स सही हैं, डोर केसिंग एंड डोर फ्रेम। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स फॉर डोर। इसके बाद हम जो डोर को क्लासिफाई कर रहे हैं इस वीडियो में, आज मेनली दो टाइप्स इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज डोर बाय देयर ऑपरेटिंग मेथड, यानी कि डोर कैसे ऑपरेट हो रहा है, किस एक्शन में वो ओपन हो रहा है, किस एक्शन में ये क्लोज हो रहा है। तो पहला इसका ये हो गया अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेटिंग मेथड्स। नेक्स्ट है डोर बाय देयर मटीरियल्स। ठीक है, डिफरेंट डोर्स हम देखते हैं, उनके डिफरेंट मटेरियल्स रहते हैं, हर डोर अलग अलग मटेरियल का रहता है। तो हम देखेंगे कि कितने टाइप के मटेरियल्स हम मेनली यूज़ करते हैं डोर्स के अंदर। तो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन रहेगा डोर बाय देयर मटेरियल्स। स्टार्टिंग विद द डोर बाय देयर ऑपरेटिंग मेथड, पहले हम देखेंगे कि डोर के ऑपरेटिंग मेथड के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। ऑपरेटिंग मेथड से हमें यह समझना है कि डोर के ओपन होने या क्लोज होने के क्या एक्शंस हैं। ठीक है, वो कैसे एक्ट कर रहा है जब ओपन या क्लोज हो रहा है। तो सबसे पहले हम आता है हमारे पास स्विंग डोर। स्विंग डोर का जो सिंपल एक्शन है वो है टू एंड फ्रो एक्शन। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल इस टाइप के जो हमारे डोर्स रहते हैं जो किसी एक डायरेक्शन में खुलता है। ठीक है, जैसा नॉर्मल हम सभी के घरों में ये डोर ज़रूर मिलते हैं, देखे होंगे आप सभी ने। तो जैसे ये डोर हैंडल को हम पुश या पुल करके इसको एक सिंपल एक्शन में खोल सकते हैं। अगर प्लान में देखें तो या तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा या तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये तरह स्विंग एक्शन के डोर। अगर ये ही सेम एक्शन ये दोनों साइड परफॉर्म कर पा रहा है, यानी कि अगर सिंगल साइड है तो ये सिर्फ मैक्सिमम 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर सकता है। अगर ये दोनों तरफ ही स्विंग हो पा रहा है इन द बोथ डायरेक्शन और ये 180 डिग्री का एंगल बना पा रहा है तो इसको हम कह सकते हैं डबल स्विंग एक्शन डोर। ठीक है, दिस इज़ योर डबल स्विंग एक्शन डोर।
तो सिंगल स्विंग है यानी कि एक डायरेक्शन में जा रहा है, डबल स्विंग है यानी बोथ डायरेक्शन में ये ऑपरेट कर रहा है, मैक्सिमम 180 डिग्री में ये ऑपरेट करता है, दैट इज अ स्विंग डोर। सेकंड है हमारे पास, इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के स्विंग डोर्स होते हैं, उनके जो बनाने के मतलब ऑपरेटिंग मेथड उनका स्विंग ही रहेगा, वो ऑपरेट स्विंग एक्शन में ही करेंगे, लेकिन उनके कंस्ट्रक्शन मेथड अलग अलग रहेगा, हम कैसे डोर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बैटन एंड लेज डोर। तो बैटन एंड लेज डोर एक पहले के टाइम में इसको ज़्यादा पॉपुलर डोर थे, ये आपने देखे होंगे, या तो अभी के आज के घरों में आपने देखा होगा, बहुत रेयर हो गया आज के टाइम तो ये, लेकिन ज़रूर विलेजेस में देखा होगा आपने, ये इस टाइप के जो पैटर्न पे डोर बनते हैं, दैट इज़ बैटन एंड लेज डोर। तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है जो वुडन की हम देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड बैटन्स, राइट, दिस इज़ बैटन्स, और ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, दिस इज़ लेज, ओके, लेज एंड बैटन्स। इसके बाद इसको वर्टिकल सपोर्ट करने के लिए डायगोनली हम एक और स्ट्रिप ऐड कर सकते हैं, इन स्ट्रिप को कहते हैं ब्रेसिस। तो एक और कैटेगरी बनती है बैटन लेज एंड ब्रेसिस डोर, और ये इनक्लोज रहता है एक फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो ये टाइप के डोर्स बहुत पॉपुलर थे जब हम बैटन्स हमें मिला करती थी डायरेक्टली, जब वुड से टिम्बर की जो बैटन्स रहती थी उससे हम ये डोर पैनल बनाया करते थे, डोर शटर बनाया करते थे, तो दैट इज़ बैटन एंड लेज डोर। अब क्या है नेक्स्ट है फ्लश डोर। बैटन एंड लेज डोर में कुछ प्रॉब्लम्स थी क्योंकि इसमें ना बहुत सारे जॉइंट्स आ रहे थे, जैसे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये इतने सारे जॉइंट्स आ रहे हैं, तो इन जॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए एक फ्लश डोर का एक कंसेप्ट आया। फ्लश डोर में क्या है, बेसिकली ये एक जॉइंटलेस डोर है, जितना भी ये कम्प्लीट एक पैनल हम ये शटर यूज़ कर रहे हैं, ये कम्प्लीट एक जॉइंटलेस है, ठीक है, ये पूरा पैनल में कोई जॉइंट नहीं देखने को मिलेगा, और ये छोटे छोटे ब्लॉक से बनता है, ओके, तो इसमें जो पैनल में या जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो हमारा प्लाईवुड भी हम यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज प्लाईवुड, और हम ब्लॉक वुड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक वुड या प्लाईवुड दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। इन दिस केस यहाँ पे जो आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, दिस इज़ ब्लॉक वुड, तो ये एक ब्लॉक वुड का सेक्शन यहाँ पे बताया गया है, ओके, तो ये कंप्लीट सिंगल पैनल है क्योंकि इसमें आउटर से हम देखते हैं तो कोई जॉइंट्स हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो दिस इज़ फ्लश डोर। कहीं पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम में, किचन में, टॉयलेट्स में, इवन आपके जो मेन डोर्स हैं उसमें भी हम फ्लश डोर का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत पॉपुलर है, अब मॉडर्न टाइम में काफ़ी पॉपुलर है इसके ऊपर, फ्लश डोर के ऊपर हम फिनिशिंग में माइका की फिनिशिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं इसके पास कि फ्लश डोर में हम कैसे फिनिश करें, डायरेक्ट हम पेंट भी कर सकते हैं, माइका भी कर सकते हैं, दे आर मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस देयर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेम्ड एंड पैनल डोर, ये भी स्विंग एक्शन का एक टाइप है। इसमें क्या रहता है, जो डोर का शटर है उस शटर में कंप्लीट जो रहता है, दैट इज़ आवर शटर, इसके अंदर हम फ्रेम बनाते हैं। देखो टर्म है, दो टर्म है, एक है फ्रेम और एक है पैनल, तो जो आउटर ये इस टाइप से जो केसिंग रहेगी, तो दिस इज़ आवर फ्रेम, और इस फ्रेम के अंदर हम ये पैनल्स लगा रहे हैं, ओके, तो ये हमारे पैनल्स किसी भी मटेरियल के हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी मटेरियल का, तो इट कैन आइदर बी ऑफ प्लाईवुड, ऑलराइट, दिस इज़ आइदर बी ऑफ प्लाईवुड और ग्लास, ठीक है, तो हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कहीं ग्लास का यहाँ पे यूज़ हुआ है या प्लाईवुड का भी यूज़ हुआ है, तो दोनों ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जो हम फ्रेम्स एंड पैनल डोर में यूज़ करते हैं। तो आउटर को हम इसको फ्रेम कहते हैं, और जो अंदर हमारा इसमें लगा हुआ है ये वाला पोर्शन, ये इसको हम पैनल कहते हैं, तो कंप्लीट ये रहता है फ्रेम्ड एंड पैनल्ड डोर। इसके बाद एक ल्यूवर डोर्स, ओके, तो इसमें पैनल्स के अंदर जो शटर हैं, तो जो पैनल हुआ, ओके, कंप्लीट ये रहा आपका शटर, ये कंप्लीट जो डोर है, दिस इज योर शटर। अब क्योंकि यहाँ पे दो हैं तो इसे कहते हैं डबल शटर डोर, ठीक है, इस टाइप के डोर को हम कहते हैं डबल शटर डोर, क्योंकि इसमें दो शटर हमें देखने को मिल रहा है, एक वाला ये वाला शटर, जैसे आप यहाँ पे जॉइंट दिख रहा है हमें, तो एक शटर ये हो गया, एक शटर ये हो गया। इसके अंदर हम जो फ्रेम यूज कर रहे हैं जो, और पैनल्स में हम लूवर्स का यूज कर रहे हैं, दीज आर द वर्टिकल लूवर्स, सॉरी दीज आर द हॉरिजॉन्टल लूवर्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लूवर्स का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक प्राइवेसी तो चाहिए, विच मीन्स हमें एक विजिबिलिटी ब्लॉकेज चाहिए, हम
विजिबल ना हो अगर हम डोर क्लोज कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इसके थ्रू एक वेंटिलेशन भी चाहिए, राइट? तो हमें अगर एक वेंटिलेशन चाहिए तो हमें इसमें एयर फ्लो भी, प्रॉपर एयर फ्लो हो सकता है इसके अंदर. तो दीज आर लूवर डोर्स. विजिबिलिटी ब्लॉक करता है लेकिन वेंटिलेशन में हेल्प करता है, इन क्रॉस वेंटिलेशन. यहाँ पर हम इस टाइप के डोर्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे हम एयर कूलर्स चलाते हैं अपने रूम में, एयर कूलर चलाते हैं. एक प्रॉब्लम आती है कि एयर कूलर को हम ना डोर क्लोज करके नहीं चलाते. अगर हमारे पास कोई वेंटिलेटर नहीं है जो डोर के ऊपर है, तब हम ऐसे जगह पर डोर में लूवर डोर हम फिक्स करवा सकते हैं और डोर को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्राइवेसी मेंटेन रहेगा लेकिन एट द सेम टाइम हमारा एयर ट्रेवल हो सकता है, एयर क्रॉस हो सकता है. विद द प्रॉपर वेंटिलेशन विल बी मेंटेन्ड इन द रूम. सेकंड एक एक्शन आता है हमारे पास, दैट इज बाईफोल्ड डोर का. बाईफोल्ड डोर इज सेम लाइक सिंपल डोर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक मल्टीपल फोल्ड्स रहते हैं. बाईफोल्ड सिंपली मीन्स द मल्टीपल फोल्ड्स. ओके, तो जैसे कि इस पर्टिकुलरली हमें इस डोर के एग्जांपल में दिख रहा होगा, शटर तो हमारे पास चार हैं लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स फोल्ड हो रहा है. एक फोल्ड यहाँ पर हो रहा है, एक फोल्ड यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पर हो रहा है, ऐसे हो रहा है. तो व्हेन देयर आर मल्टीपल फोल्ड्स, तो इसे हम कहते हैं बाईफोल्ड डोर्स. एक और एक्शन का टाइप का डोर रहता है, दैट इज स्लाइडिंग डोर. स्लाइडिंग डोर, वी ऑल हैव सीन दिस काइंड ऑफ डोर. ठीक है, स्लाइडिंग डोर्स हैं. इसमें सिंपली जो डोर का जो शटर है वो हमको स्लाइड करके ओपन करना होता है. तो इट कैन बी आइदर ऑफ डबल शटर स्लाइडिंग डोर, ट्रिपल शटर स्लाइडिंग डोर. ठीक है, सिंगल शटर स्लाइडिंग डोर भी होता है जिसमें एक साइड का आपका फिक्स रहेगा, जो एक पैनल है वो फिक्स रहेगा और जो एक सेकेंड पैनल है वही स्लाइड होता है. ठीक है, तो ये स्लाइडिंग डोर मल्टीपल ऑप्शंस में आते हैं स्लाइडिंग डोर्स भी. और इसमें जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, जनरली ग्लास यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर हमारा कोई सेंस ऑफ विजिबिलिटी हमें नहीं चाहिए तो वी कैन ब्लॉक दिस. ठीक है, तो हम प्लाईवुड का भी यूज़ कर सकते हैं या कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं. तो देर आर मैनी मोर ऑप्शंस. ठीक है, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अपना फिक्स करवा सकते हैं. एक है डबल एक्शन डोर. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दिस डबल एक्शन डोर कि जो बोथ डायरेक्शन में सो स्विंग एक्शन कर रहा है, दिस इज आवर डबल एक्शन डोर. इसके बाद एक और एक्शन पे आता है, दैट इज रोलिंग शटर. रोलिंग शटर आपने देखा होगा किसी भी शॉप्स के, मेनली शॉप्स में आपने देखा होगा ये. ठीक है, तो ये शॉप्स में क्या है कि ये जो पैनल है ये जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये ऊपर जाके रोल हो जाता है यहाँ पर. ठीक है, स्प्रिंग की मदद से ये रोल हो जाता है. तो दिस इज आवर रोलिंग शटर डोर. एल्यूमिनियम का भी आता है, स्टील का भी आता है, तो दोनों ही आता है. और इस रोलिंग शटर्स में भी अगर हम और फर्दर बात करें तो यहाँ पे कुछ क्रिस क्रॉस पैटर्न्स आपने ज़रूर देखे होंगे रोलिंग शटर के, जहाँ पे विजिबिलिटी हमें दिखती है. ठीक है, तो ये जाली वाले रोलिंग शटर्स भी आते हैं. तो देर आर मैनी मोर ऑप्शंस इन ईच एंड एवरी कैटेगरी. तो हम बेसिक्स की आज बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कितने टाइप के बेसिकली हम जो डोर देखते हैं. ओके, तो एक ये भी है रोलिंग शटर्स जो हम देखते हैं, और ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हम यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर हम मानते हैं, क्योंकि स्टील का डोर है ये. तो दीज आर मच मोर सिक्योर डोर देन एनी अदर काइंड ऑफ डोर. एक हमने देखा होगा रिवॉल्विंग डोर. जब भी हम किसी मॉल्स में या ऑफिशियल बिल्डिंग्स में जाते हैं तो ये एक रिवॉल्विंग डोर देखा होगा. तो दोनों ही टाइप के रिवॉल्विंग डोर रहते हैं. पहला टाइप का जो रिवॉल्विंग डोर रहेगा, दैट इज़ ऑटोमेटिक रिवॉल्विंग, यानी वो खुद ब खुद घूमता रहेगा, वो रिवॉल्व होता रहेगा एक सर्कुलर मोशन में. हमें जस्ट उसको वहाँ पर स्टैंड कर जाना है और वो ऑटोमेटिकली हम बाहर या फिर अंदर आ सकते हैं. एक रहता है मैनुअल. ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, जिसको आपको खुद अपनी मदद से पुश करना पड़ेगा डोर को बाहर की तरफ, या एक कंप्लीट एक रिवॉल्विंग एक्शन होना चाहिए. ठीक है, ये कुछ डोर इस टाइप से रहते हैं. ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिक को हमें मूव अराउंड करना है इनसाइड और आउट. ठीक है, तो एट द सेम टाइम पर एक पर्सन हमें बाहर की तरफ मूव होता है और एक पर्सन अंदर की तरफ मूव होता है. तो ये डोर्स हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक ज़्यादा है. ठीक है, तो मेनली पब्लिक बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा, या कहाँ पे देखा होगा, पार्क्स वगैरह में देखा होगा, पार्क्स की एंट्री में, जहाँ पे पब्लिक का इन और आउट सेम टाइम पर ज़्यादा रहता है. तो दोनों को ट्रैफिक या क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए इस टाइप के रिवॉल्विंग डोर हम लगाते हैं. एक और टाइप का आपने डोर देखा होगा, दैट इज़ कोलैप्सिबल स्टील डोर.
ये इस टाइप से सीजर एक्शन पे बेसिकली काम करता है, तो ये कोलैप्स होता है, तो इसे स्लाइड करके हम स्लाइड कर सकते हैं और एक कंप्लीट जो डोर है ये कोलैप्स हो जाता है। तो दीज आर द कोलैप्सिबल स्टील डोर्स, ठीक है। तो ये भी हम यूज़ करते हैं और ये भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाला डोर है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टील डोर है तो ये सिक्योरिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो वहाँ पर हम कोलैप्सिबल स्टील डोर का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, डोर्स बाय देयर मटीरियल। मेनली जो भी डोर का एक्शन अभी तक हमने देखा इट्स गुड, लेकिन हम कितने डिफरेंट टाइप के मटीरियल्स उसको हम यूज़ कर सकते हैं डोर के अंदर। देखो नॉर्मली बात ऐसी है कि आज के टाइम में टुडे सिनेरियो की बात करें तो मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हैं, इतने डिफरेंट मटेरियल्स आज के टाइम में यूज़ हो रहे हैं, तो डायरेक्टली उस पर एक सेपरेट बात कर सकते हैं वीडियो बना के कि कितना मटेरियल्स है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने टॉपिक को समराइज़ करें या सम अप करें तो हम देखने को मिलेगा कि कुछ बेसिक्स मटेरियल तो हैं जो काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर है। तो वो मटेरियल्स हैं सबसे पहले वुडन डोर्स, जैसे वुड एक काफ़ी पॉपुलर मटेरियल है डोर के सेक्शन में, ठीक है। तो हम वुड काफ़ी यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट हमारा रहेगा वुड डोर्स। सेकंड है स्टील डोर्स, ठीक है, स्टील के डोर्स भी हम यूज़ करते हैं। आपका स्टील का जब टर्म आता है तो हम MS के डोर भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ माइल्ड स्टील, और SS के डोर भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ स्टेनलेस स्टील। ओके, तो दोनों ही स्टील डोर की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो ये डोर रहते हैं स्टील डोर, ये हमारा मटेरियल हो सकता है। एक और नया आजकल पॉपुलर मटेरियल है, दैट इज़ फाइबर ग्लास डोर, ठीक है। जो ग्लास हम नॉर्मली देखते हैं उस ग्लास को, वो ग्लास ना होके दैट इज़ फाइबर ग्लास होता है, और जैसे हम प्लास्टिक वाले ग्लास आई थिंक कह सकते हैं उसको, वो फाइबर ग्लास का भी हम यूज़ करते हैं अपने डोर्स में, दैट इज़ आर फाइबर ग्लास डोर्स। इसके बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम डोर्स होते हैं, तो बहुत लाइट वेटेड डोर्स रहते हैं ये, उसका भी हम यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट अलग अलग जगह पे। हो सकता है हम अपने अलमीराज में डोर यूज़ करें, कबर्ड्स में यूज़ करें, रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग रहती है, तो उसी हिसाब से हम उनके पर्पस को सर्व करते हैं। तो एक एल्युमिनियम डोर्स भी यहाँ पर रहते हैं। ग्लास डोर, ग्लास तो काफ़ी पॉपुलर मटेरियल है डोर के लिए, जैसे हमने स्लाइडिंग डोर में बात करी थी, तो ग्लास का काफ़ी यूज़ है, ग्लास के पैनल्स हम यूज़ करते हैं अपने डोर्स के अंदर, तो ग्लास इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर मटेरियल, ठीक है। एक और आपको मटेरियल देखने को मिलेगा, UPVC और विनाइल डोर्स। ओके, दो डबल बार आ गया एक, तो UPVC और विनाइल डोर, तो इसको मेनली हम PVC डोर कहते हैं ना, तो ये प्लास्टिक के जो डोर्स रहते हैं PVC डोर्स हैं, तो इनका क्या बेनिफिट है, एक तो ये बहुत कम कॉस्टली हैं, ठीक है, चीपर हैं ये, और इनको ना वाटर प्रूफ डोर कहते हैं, क्योंकि इनका ऐसे एरियाज में यूज़ करते हैं जैसे टॉयलेट्स हो गए, बाथरूम्स हो गए, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर पानी का यूज़ ज़्यादा है, तो जो नॉर्मल वुडन जो डोर्स हैं, जो प्लाईवुड है या ब्लॉक वुड के जो डोर्स हैं, वो पानी में ना प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए PVC डोर एक मार्केट में है, पॉपुलर है ये भी, तो ये प्लास्टिक के डोर हैं और ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वाटर से रिलेटेड ज़्यादा वर्क होता है, जैसे टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स ऑब्वियसली, तो ये पानी में रहकर ख़राब नहीं होते, ये डोर को कोरेट नहीं करते या फिर कैसे भी ख़राब नहीं होते, तो इनकी लाइफ ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये सिक्योरिटी इतनी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम सोचेंगे सिक्योर ज़्यादा डोर है तो वो ये प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हाँ एक सेंस ऑफ प्राइवेसी क्रिएट कर सकते हैं, टॉयलेट्स में बाथरूम में हमें एक प्राइवेसी चाहिए तो वो ये प्रोवाइड कर सकते हैं UPVC और विनाइल डोर। तो ये विनाइल डोर या UPVC डोर्स के नाम पे टोटल पॉपुलर हैं ये, ठीक है, मार्केट में आज भी अवेलेबल हैं, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। आई होप ये सारे डोर्स आपको समझ में आए होंगे, कितने टाइप के डोर्स हम यूज़ करते हैं हमारे बिल्डिंग्स में, और इनका पर्पज़ अलग अलग होता है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो आप यू इन्जॉयड द वीडियो, और आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश कर सकता हूँ। थैंक यू, इस वीडियो के में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।